बिल्कुल सदर्न पार्ट पे भी है, अब उन्होंने हाई ग्राउंड और अप्रोच ले लिया है। ऑटोबॉट्स यहां से बच के निकल जाए मजाल की बात होगी, यहां पर स्प्रेयर ऑलरेडी नॉक है, ही इज ऑलरेडी ब्लीडिंग। और वहीं पे डब्ल्यूएसबी ने अपनी गाड़ियां निकाली है, काफला निकला है, सीधा पर्वत की तरफ जाना चाहेंगे, बट एमजे काफी ज्यादा हिप फायर के शिकार में फंसे और यहां पर टीम गॉडल उनको पनिश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बट ये लोरिज की फाइट आसान नहीं रहने वाली किसी के लिए भी, मैक ने भी डीबीएस एमजे को कंप्लीट कर दिया था। और वहीं पर पुकार भी अब अपने घुटनों के दम पर अपनी जान की गुहार मांगते हुए दिख रहे हैं। गुड जॉब टाइगर्स की, यहाँ पे दो प्लस फिनिश ऑफ हो चुके हैं। क्लच गॉड यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं ग्रेनेड के द्वारा, बट विक्स एक अच्छा ऑफ एंगल उन्होंने होल्ड किया है काफी अच्छे तरीके से, प्लेयर को यहाँ पे नॉक तो कर दिया। कंफर्मेशन पॉइंट निकाल पाएंगे या नहीं वो एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा, बट क्लच गॉड जरूर यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। स्मोक का कवर, सॉफ्ट कवर फिलहाल के लिए उनकी मदद करे, बट गॉड लेके चारों प्लेयर्स जीवित है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है गुड जॉब टाइगर्स के लिए। 2v4 का सिनेरियो, बट लुक्स लाइक जोनाथन यहाँ पे जो है अकेले फिलहाल दिखाई दे रहे, जी नहीं तीन प्लेयर है, एक प्लेयर गॉड लेके फिनिश हो गए। ये थोड़ी सी दिक्कत हुई यहाँ पर, उन्होंने इनसे नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। गॉडल अभी थ्री मैन लाइनअप रनअप करा रही है यहाँ पे, जेली आइजल बचे, जॉनी बचे, जी गॉड बचे, इसका मतलब मैक का जो सफर है काफी जल्दी खत्म हो। क्लच गॉड की मोलोटॉव ने उनको निगल लिया, उस आदि को ध्यान देना पड़ेगा कि उनको सब्र का बांध नहीं तोड़ना है, उनको होल्ड करना है, ये बग्गी फोड़ कर भी वो परेशान हो सकते हैं। वो विना विना चिकन डिनर जिसका उनको इंतजार है उसके एक कदम और नजदीक बढ़ते हुए। ब्लाइंड ने यहाँ पर हमने बोला था लास्ट गेम के अंदर 17-18-19 पे पायदान पर हो सकते हैं, बट इस गेम के बाद पक्का टॉप 16 के अंदर अपनी जगह बनाएंगे। ओआर क्ले भी ये कर दी है भाई, बहुत सारी समस्याएं खड़ी यहाँ पर टीम गॉर्डन ने। जोनाथन इज Literally an animal with grenades. ये प्लेयर ग्रेनेड से ऐसे मोमेंट्स पे ऐसे आउटकम्स निकाल के देता है जहां पे सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी गुजरात टाइगर्स के भी क्लच प्लेयर जिंदा है, बट स्किप से जो अभी क्लच निकाला है, दैट लिटरल रिटेलिएशन वॉज इमेंस, बिकॉज पोजिशन होल्ड करके बैठे तो जोनाथन यहाँ पे खुले में प्रोन डाउन करके बैठे, क्लच गॉड ने सपोर्ट करा, स्पॉट कर इंस्टेंटली नॉक यहाँ पे कर दिया। मुझे लगता है नहीं ज्यादा देर उनको सांस नहीं देंगे, यहाँ पे फिनिश कर आगे बढ़ेंगे, बट वहीं पर दूर दरार आइजल जेली का चिक कवर फायर था, बट थोड़ा सा लेट हुआ, बट बदला जरूर लिया है गुजरात टाइगर्स। देयर आउट, पांच टीमें हैं यहाँ पर, हमारे पास 10 प्लेयर्स जिंदा हैं और सबसे ज्यादा चांसेस आई थिंक इट हैज सीम ब्लाइंड। क्लच गॉड जाने से पहले गॉडलेक के लिए बहुत बड़ा नुकसान जरूर करके गए हैं, बट इसी के साथ एंटिटी का भी खात्मा यहाँ पे पांचवे पायदान पे होते हुए। ब्लाइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो 2v2 का स्प्लिट है दो डिफरेंट डायरेक्शन से डोमिनेंट कंट्रोल यो बना सकते हैं। शयन का ग्रेनेड जाएगा, टीटी के रुनर को यहाँ पे जो है नॉक कर दिया गया। शयन मात्र अकेले खिलाड़ी बते हैं अपनी टीम से, स्टिल लुकिंग फॉर दोज फिनिशेस। शयन को यहाँ पे जो है कंफर्मेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिनिश पॉइंट निकालना पड़ेगा, बट साइकॉट आएंगे, क्लोज फ्रंटल बैक स्मोक जरूर है, बट ही नोज एग्जैक्टली वेयर द प्लेयर इज, दो प्लेयर आगे जाएंगे एंड 1v2 इज वे टू मच फॉर शयन टू डील विद। एंड इसी के साथ टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स अपने प्लेयर्स को रिवाइव देना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और देखिए कैसे भूखे शेर आगे बढ़ रहे हैं, उनको पता है सामने वाला कमजोर है, सामने वाले ने घुटने टेक रखे हैं और इसी वक्त ही खत्म करने की कोशिश करेंगे साइकिल को रिवाइव।